हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज का व्लॉग देखिए, मैंने अभी सुबह का नाश्ता पानी सब हो चुका है। आज है संडे, तो आज दोपहर का टाइम है, तो मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर को। आज देखिए, पहले तो मैंने करेले बनाने थे, इसको मैंने नमक लगा कर धूप में रख दिया। मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। सब कह रहे हैं अभी नहीं खाने। अभी मैं बना रही हूँ वड़ी वाले चावल बनाने वाली हूँ। वड़ी डालकर ना चावल बना लेती हूँ। इसको गैस को ऑन कर देते हैं, बहुत आसान है बनाने। तो इसी आज के व्लॉग में मैं अभी शेयर कर रही हूँ, देखते हैं कितना व्लॉग बनता है, क्या 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 शूट हो पाएगा आज। तो आज का शुरू कर दिया है मैंने वड़ी वाले चावल से। वड़ी वाले चावल बन रहे हैं, तो सब अंदर बैठे हैं, आज छुट्टी है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेयर देखिए मेरे कैसे ना बिखर रखे हैं, हेड पास किया ना, बहुत गर्मी हो रखी है उसके कारण सब बिखर चुके हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वड़ी को अच्छे से भून रही हूँ। वड़ी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, एक ही वड़ी ली है, इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर प्याज और टमाटर को मैंने कट कर रखा हुआ, इसको भून लेते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए, मैंने चावल को भिगो कर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये वाले वो वाले चावल लिए हैं जो छोटे वाले कनी वाले चावल होते हैं, जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं। तो ये वाले जो मैं डाल रही हूँ, अब नमक डाल रही हूँ। नमक से क्या होगा, टमाटर बहुत जल्दी भून जाएगा और तड़का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तड़के को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना था मुझे, देखिए मैंने इतना सा भुना है, मीडियम सा। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। तो इसको अच्छे से भुनने के बाद इसमें जो मैंने चावल भिगो कर रखे हुए हैं फ्रेंड्स, वो चावल डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये वाले वड़ी वाले चावल बनते हैं, एक सब्जी टाइप बन जाते हैं। देखिए इसको अच्छे से धो कर मैंने रखा हुआ है, इनको डाल दिए मैंने, इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा मैं और पानी ऐड करूँगी, इसको धोकर जो भी चावल हैं इसको सबको मैं ऐड करूँगी। मुझे ये वाले जो चावल होते हैं ना, एक ग्रेवी टाइप बनाने हैं, जैसे ग्रेवी बनाते हैं ना किसी सब्जी की, ऐसे ही ग्रेवी टाइप बनाने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कि फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, ऐसे लिक्विड सा बना लिया इसे, बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं रखना। अब इसका मैं ऐसे ढक्कन लगा कर ना फोर विसल तक इसको ऐसे चलने दूंगी, मीडियम फ्लेम पर फोर विसल पर इसको बंद कर दूंगी और चावल रेडी हो जाएंगे। उतनी देर मैं यहाँ पर सफाई कर देती हूँ, सब क्लीन कर देती हूँ, जो भी बर्तन है सब इस क्लीन है। देखिए मैंने ना करेले भी धोकर रखे हैं, शाम को बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। सिंक को हमेशा मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये स्टील की सिंक है, नहीं तो इसके ऊपर ना पानी के बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब देखिए, मैंने धोने के बाद इसको अच्छे से इसी से सुखा दूंगी, बहुत ही अच्छी सी लगती है और शाइन करती रहती है। अगर सिंक अच्छी हो ना किचन की, साफ़ हो, तो किचन पूरा साफ़ ही लगता है फ्रेंड्स। अगर सिंक हमारी गंदी हो तो किचन गंदा गंदा लगेगा, चाहे हम कितना भी साफ़ कर लें, मुझे तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स। आप बताना आपको कैसा लगता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, बड़ी वाले चावल बन सकते चुके हैं। इसके साथ हम लोग ना रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे, सिंपल ऐसे ही खाएंगे। सहज के लिए मैंने थोड़े से डाले हैं, सहज को अच्छे नहीं लगते, कहता मुझे नहीं खाने, उसके तो चावल पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल चावल नहीं खाता। तो अभी मैं इसमें डालूंगी देसी घी, डालूंगी मैं एक एक चम्मच, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ शाम के टाइम और करेले बनाने लगी हूँ। यहाँ पर देखिए, बाउल में मैंने सभी मसाले डाले हैं और इसमें ऑयल डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। आज सिंपल से ना मसाले वाले करेले बनेंगे, आज कोई और प्याज प्यूज डालकर नहीं बनाने वाली। इसमें प्याज फिल कर बना लेते हैं ना, लेकिन आज सब बोल रहे हैं सिंपल ही खाने हैं, लेकिन सहज ने पहले ही बोल दिया मुझे करेले नहीं खाने, सहज करेले की सब्ज़ी नहीं खाता। उसके लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बच्चों की कुछ अलग ही डिमांड होती है ना, जो हम लोग खाते हैं बच्चों को पसंद नहीं होता। दोपहर को जो मैंने वड़ी वाले चावल बनाए थे ना, वो भी सहज नहीं खाए, उसके लिए मैंने फिर से मैगी बनाई। तब देखिए मैं सब इसमें करेले डाल देती हूँ, फिल कर दिए हैं मैंने, और जो थोड़ा सा मसाला बचा है ना इसके ऊपर ही डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ऐसे भी ना, बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी, बहुत हाई फ्लेम पर बनाएंगे ना तो बहुत हार्ड से हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सहज के लिए मैं छोटी सी यहाँ पर कढ़ाई में ना कुछ बनाने लगी हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंड्स आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ।
अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी मसाले इसमें डाल रही हूँ तो फिर इसके लिए थोड़ी सी सब्जी बन जाएगी बच्चों के लिए। देखिए ऐसे ही होता है ना, बच्चे पसंद ही नहीं करते, जो हम लोग खाते हैं ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अलग से उनके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है उनको, तो ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर कुछ खाएंगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसे ही बस होता ही रहता है रोज़ का कुछ ना कुछ। तो आज देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने देखिए दोपहर से स्टार्ट किया अब इवनिंग का खाना, आज सारा दिन मैंने आपके साथ खाने का शेयर किया है, दोपहर के खाने का और रात के खाने का डिनर जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि एक करेले बन चुके हैं, इनको मैंने एक नैपकिन के ऊपर निकाल दिया और जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना सारा ऑयल निकाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा जो मसाला बचा हुआ है ना उसको रहने दिया मैंने फ्रेंड्स। इसमें मैंने देखिए प्याज कट कर रखे, इसको अच्छे से भूनूंगी, बहुत टेस्टी लगती है ना इस मसाले में प्याज और आलू को डालकर भून कर खाएं ना, वो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी के साथ। और देखिए मैं आलू कट कर रही हूँ, प्याज मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं मीडियम फ्लेम पर बनाती रहूँगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, कुछ मसालों में है ना मसाले ऑलरेडी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर देखिए गोभी भी डाल दी, सहज की भी रेडी हो चुके हैं और देखिए करेलों को मैंने नैपकिन से ना ऐसे अच्छे से रैप कर दिया, इससे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसका वो निकल जाएगा, तो फिर बिल्कुल भी ऑयल जब खाएं ना बिल्कुल भी हाथों को ना ऑयल नहीं लगता और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं नैपकिन में अच्छे से रैप कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ पर दही और पनीर और ये है ना वाइट वाले बैंगन है, तो ये घी। पापा आज आए हैं, बड़ी देर के बाद आए हैं, 5-6 मंथ के बाद मेरे पास आए हैं यहाँ पर, तो उनका अपना चेकअप है करवाना, इसलिए देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं रणदीप के साथ, कूलर लगा हुआ है यहाँ पर लिविंग रूम में, हमारे इस टाइम कूलर चलता है शाम के टाइम, तो सब यहाँ पर ही बैठते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं भी हूँ, लेकिन वॉइस नहीं दी मैंने यहाँ पर, रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि कूलर की आवाज़ के कारण फिर क्लियर नहीं आती बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, रात का टाइम हो गया, सारा किचन क्लीन कर दिया मैंने, बिल्कुल क्लीन है सब कुछ, तो लाइट बंद करते हैं यहाँ की। अभी देखिए फ्रेंड्स, सबका डिनर हो चुका है लेकिन सहज का अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक लेकर बैठा हुआ है, इसकी ये बड़ी एक लेटर रहती है पंजाबी की लिखनी वाली, लेकर बैठा रहता है फ्रेंड्स, बातें करता रहता है तो कंप्लीट नहीं करता जल्दी। देखिए कूलर लगाकर सामने बैठा हुआ है और अंदर बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड और पापा, यहाँ पर अंदर लेटे हुए हैं, बेड लग चुके हैं सोने के लिए। यहाँ पर इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टिल देन एंड बाय बाय।